ये लूज मोशन में हमारा बिस्तर गंदा हो जाता है, गंदे होने की वजह से स्मेल मारता है, तो कोई हमारे पास नहीं आता, हम खाना खा रहे होते हैं तो स्मेल मारता है, फिर उसमें फिर खाना भी नहीं खाया जाता। बच्चा सुसू भी करता है, पॉटी भी करता है, लेकिन एक माँ कितनी केयर से उसका वो सब क्लीन करती है। बट वही जब हमारे पेरेंट्स के ऊपर आता है तो हम कितने निर्दयी हो जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो केयर टेकर भी छोड़ देते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो उनको ही छोड़ देते हैं। वृद्ध केयर को हमने स्टार्ट किया 2019 में। मोटिव हमारा सिंपल यही था, सीनियर केयर, जिन सीनियर सिटीजन को घर में वो केयर नहीं मिल पा रही है और जो लोग ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, हम लोग उनको केयर दें। अगर किसी रूम में 30 लोग रहते हैं और 30 लोगों में से 5 लोगों को भी यूरिनल इशू है, तो वो 5 लोग नहीं, वो 30 लोग ही उस इशू से सफ़र होते हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र वो लोग होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। एक व्यक्ति जो बेड रिडन है, जो जिस या जिसको न्यूरो का इशू है या जिसको कोई और दिक्कत है, चल नहीं पा रहा है, उसको वॉशरूम जाना बार बार उसके लिए भी मुमकिन नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो एडल्ट डायपर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक नीड है, ये कुछ भी लेविश लाइफ का पार्ट नहीं है। डोनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा इशू है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसके लिए हेल्प करें।